हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्योर फिजिकल स्टडी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेनेशन अबाउट बोन्स। आज का हमारा टॉपिक है बोन, तो स्टडी करते हैं बोन को। बोन क्या है? बोन्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किस से बना है? बोन से। या फिर हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क बोन से बना है। तो फ्रेंड्स, बोन का काम क्या है? हमारा बॉडी को होल्ड करके रखना या फिर हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क बनाना। बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। हमारा बॉडी का जो शेप है वो बोन्स प्रोवाइड करती है एंड हमारा बॉडी को सपोर्ट भी करती है। एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज मेडअप ऑफ 206 बोन्स। हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, फ्रेमवर्क बना हुआ है बोन्स से, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन स्केलेटन में टोटल कितने बोन्स होती है? टोटल 206 बोन्स होती है इन एडल्ट में। अगर हम बेबी की बात करें या फिर इन्फेंट की बात करें या फिर न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, तो उसमें कितना बोन्स होती है? उसमें टोटल अराउंड 300 बोन्स होती है। जैसे एज बढ़ती है या फिर बेबी एडल्ट बनता है, तो उसमें कुछ बोन फ्यूज्ड हो जाती है। इसलिए 300 से 206 बोन्स रह जाती है हमारा बॉडी में। बोन आर स्ट्रॉन्ग। बोन स्ट्रॉन्ग होती है, सेमी रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल, स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है एंड कॉन्स्टेंटली रिमॉडल्ड होती है। अब रिमॉडलिंग का मतलब क्या है? रिमॉडलिंग का मतलब बनती है एंड ब्रेकडाउन होती है कॉन्स्टेंटली, जो एक हेल्थी बोन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थी बोन के लिए आपको कैल्शियम एंड विटामिन डी ज़रूरत है। ऐसा क्यों? बोन इज ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ कोलेजन, कैल्शियम एंड सम बोन सेल्स। बोन कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। अब ड्यूरेबल का मतलब क्या है? ड्यूरेबल का मतलब जितना भी अगर कोई प्रेशर हमारी बोन पर बढ़ती है या कोई भी चोट हमारी बोन को लगती है, तो उसको एक हद तक झेल सकती है। मेटअप ऑफ कोलाजन। कोलाजन इज लाइक अ प्रोटीन। कोलाजन बोन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। कैल्शियम बोन को हार्ट प्रोवाइड करती है एंड स्पेशली हम बोन सेल से बोन बनती है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ये हमारा बॉडी का ह्यूमन स्केलेटन। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन स्केलेटन में टोटल कितना बोन्स होती है? ह्यूमन स्केलेटन में टोटल 206 बोन्स होती है। इसके बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे वो आने वाला वीडियो में। वो वीडियो आप लोग जरूर देखना, क्योंकि वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। अब फंक्शंस, बोन का फंक्शंस। बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। हमारा बॉडी का जो शेप है वो बोन्स प्रोवाइड करती है एंड हमारा बॉडी को सपोर्ट भी करती है। प्रोवाइडिंग बॉडी फ्रेमवर्क। सो बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो कौन बनाता है? बोन। सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन स्केलेटन। या फिर हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, फ्रेमवर्क बना हुआ है बोन से, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन। तो फ्रेंड्स, हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क बोन प्रोवाइड करती है। गिव अटैचमेंट टू मसल, टेंडन, लिगामेंट्स, ईटीसी। जो मसल्स है एंड टेंडन्स है वो कहाँ पर अटैच होती है? हमारी बोन से। सो बोन्स अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मसल एंड टेंडन को, जिससे हमारा बोन मूव कर पाती है या फिर हमारा बॉडी मूव कर पाती है। Allow mobility by forming joints moved by muscles. Bones आपस कर मिल के क्या बनाती है? Joints बनाती है, जिनसे मूव कर सकती है कि वहाँ पर मसल प्रेजेंट होती है, जो कि मूवमेंट में पॉसिबिलिटी करती है। Protecting organs they contain. As for example, skull
एंड वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रेस्पेक्टिवली। नाउ बोन मैरो मैन्युफैक्चर्स ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स बोन मैरो में प्रोड्यूस्ड होती है। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? बोन मैरो में। बोन मैरो में प्रोड्यूस्ड होती है या फिर हेमोबोसिस होती है। नाउ मिनरल स्टोरेज दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। सो बोन का क्या काम है? कैल्शियम फॉस्फेट को स्टोर करके रखना, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कैल्शियम का एक बैलेंस मेंटेन रहती है बॉडी में एंड बोन की हेल्थ भी मेंटेन रहती है। टाइप्स ऑफ बोन्स। नंबर वन, लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स में लॉन्ग ज़्यादा होती है एंड वाइड कम होती है। इसमें शाफ्ट होती है जो बीच वाला पोर्शन शाफ्ट डायफिसिस होती है एंड इंट वाला पोर्शन इपिफाइसिस होती है। एक कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारा लिम्स में या एक्सट्रीमिटीज में प्रेजेंट होती है। एज फॉर एग्जांपल फेमर। फेमर हमारा थाई पार्ट में प्रेजेंट होती है। और हमारा कौन सी है? टिबिया, फिबुला, अल्ना, रेडियस, ये सारे हमारी लॉन्ग बोन्स का एग्जांपल्स होती है जो कि हमारी लिम्स में प्रेजेंट होती है। नाउ इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स क्या होती है? जिसमें कोई भी शेप नहीं होती है, किसी भी शेप हो सकती है। एक कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारा वर्टेब्रल कॉलम में एंड स्कल बोन में प्रेजेंट होती है। नाउ फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन क्या होता है? थिन एंड ब्रॉड होता है। एक क्या करती है? हमारा ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। एग्जांपल जैसे कि स्टर्नम जो हमारी चेस्ट बोन होती है या फिर रिब्स जो हमारा लंग जो हमारा लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। नाउ शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स क्या होती है? इनके जो लेंथ है, वेथ है, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। एग्जांपल कार्पल बोन्स जो रिस्ट जॉइंट में प्रेजेंट होती है। नाउ सिजामोइड बोन। सिजामोइड बोन क्या होती है? इनका शेप सीजम सीड्स की तरह होती है। सीजम सीड्स क्या होती है? तिल की बीज। एग्जांपल पेटला, नी कैप। नाउ सिसुरल बोन। सिसुरल बोन क्या होती है? स्मॉल फ्लैट इरेगुलर शेप्ड होती है। एक कहाँ प्रेजेंट होती है? बिटवीन द फ्लैट बोन एंड स्कल। फ्लैट बोन एंड स्कल बोन के बीच में प्रेजेंट होती है। पार्ट्स ऑफ यंग बोन। नंबर वन, एपिफाइसिस। द इंड्स एंड टिप्स ऑफ ए बोन इज एपिफाइसिस फिल्ड विथ स्पॉन्जी बोन व्हिच कंटेन रेड बोन मैरो। एपिफाइसिस क्या है? इंड ओनली बोन्स। एपिफाइसिस में क्या प्रेजेंट होती है? स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है जिसको कैंसलस बोन भी कहते हैं। स्पॉन्जी बोन के अंदर में क्या प्रेजेंट होती है? रेड बोन मैरो। सो रेड बोन मैरो का क्या फंक्शन है? जहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स फॉर्म होती है या प्रोड्यूस होती है या फिर हेमोबोसिस होती है। नाउ डायफेसिस। हम अभी डायफेसिस की बात करते हैं। ट्यूबुलर शाफ्ट रन्स बिटवीन द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल इंड्स ऑफ बोन कॉल्ड डायफेसिस। हॉलो रीजन। डायफेसिस या शाफ्ट के बीच में एक हॉलो रीजन प्रेजेंट है, खाली रीजन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं मेडुलरी कैविटी या मेडुलरी कैनल, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? येलो मेरो। येलो मेरो किस से बना होती है? फैट से। वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ डेंस एंड हार्ड कॉम्पैक्ट बोन। हार्ड कॉम्पैक्ट बोन से वॉल्स बनती है। नंबर थ्री, मेटाफाइसिस। द इंडिविजुअल इंड्स ऑफ ए डायफाइसिस आर कॉल्ड मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस जहाँ पर मिलता है उसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। सो मेटाफाइसिस क्या है? नैरो एरिया है जहाँ पर इंडिविजुअल प्लेट प्रेजेंट होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ प्लेट।
अप इफिजियल प्लेट का क्या फंक्शन होती है? जो भी ग्रोइंग बोन्स होती है, जो ग्रो कर रही होती है, वहाँ पर इफिजियल प्लेट प्रेजेंट होती है। जब बोन फुल्ली ओसिफाई हो जाती है, ग्रोइंग हो जाती है, तब इफिजियल प्लेट वो इफिजियल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। इफिजियल प्लेट जो है वो हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती है, और फिर इफिजियल लाइन जो है वो ओसियस टिश्यूज से बनी होती है या फिर बोन टिश्यूज से बनी होती है। नंबर फोर, इफिविजुअल प्लेट्स। इफिविजुअल प्लेट्स ऑफ कार्टिलेज सेपरेट्स इफिफाइसिस फ्रॉम मेटाफाइसिस। दिस एरिया इज कॉल्ड इफिफाइसिस। द इंड्स एंड टिप्स ऑफ ए बोन इज इफिफाइसिस। इफिफाइसिस में क्या प्रेजेंट होती है? स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है। स्पॉन्जी बोन के अंदर में क्या प्रेजेंट होती है? बोन मैरो प्रेजेंट होती है, जहाँ पर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड होती है या फिर हेमोबोसिस होती है। दिस एरिया इज कॉल्ड डायफाइसिस। जो बीच वाला पोर्शन डायफाइसिस या शाफ्ट होती है। डायफाइसिस के बीच में एक मेडुलाई के डायफाइसिस के बीच में एक हॉलो रीजन या फिर खाली रीजन होती है, जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी कैविटी या फिर मेडुलरी कैनाल बोलती है, जहाँ पर येलो मैरो प्रेजेंट होती है। येलो मैरो किससे बना है? वो फैट से बनती है। दिस एरिया इज कॉल्ड मेटाफाइसिस। जहाँ पर इफिफाइसिस एंड मेटाफाइसिस प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। सो फ्रेंड्स, मेटाफाइसिस क्या है? मेटाफाइसिस एक नैरो एरिया है जहाँ पर इफिफिजियल प्लेट प्रेजेंट होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ प्लेट। अब इफिफिजियल प्लेट क्या होती है? इफिफिजियल प्लेट सेपरेट्स द इफिफाइसिस फ्रॉम मेटाफाइसिस। कॉम्पैक्ट बोन। द वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ हार्ड कॉम्पैक्ट बोन, कैंसलस बोन। कैंसलस बोन इज ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जी बोन। नाउ फ्रेंड्स, इंडोस्टियम क्या होती है? हम डायफाइसिस के बीच में एक मेडुलर कैविटी पड़ी थी, यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट होती है, वो क्या होती है? मेम्ब्रेनस लाइन होती है, जिसको बोलती है इंडोस्टियम। इंडोस्टियम क्या होती है? इंडोस्टियम में क्या होती है? बोन ग्रोथ रिपेयर एंड रिमॉडलिंग होती है। बोन ग्रोथ रिपेयर एंड रिमॉडलिंग यहाँ पर इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ पर बोन ग्रोथ रिपेयर एंड रिमॉडलिंग होती है। नाउ फ्रेंड्स, पेरियोस्टियम क्या होती है? आउटर सर्फेस ऑफ द बोन इज कवर्ड विथ फाइबरस मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरियोस्टियम, जहाँ पर कॉन्टेन ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फेटिक वेसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट अटैच्ड है, यहाँ पर अटैच्ड होती है। ये जो पेरियोस्टियम है वो पूरी बोन में प्रेजेंट होती है, लेकिन कहाँ पर प्रेजेंट नहीं है? वो इंड्स में प्रेजेंट नहीं है। इंड्स में पेरियोस्टियम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इंड्स में आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज का काम क्या होती है? व्हेन टू बोन्स मीट, जब दो बोन मिलती है तो वहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज या फिर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, जो कि जॉइंट या फिर मूवमेंट को सपोर्ट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू गेट मोर वीडियोज फ्रॉम दिस चैनल।